स्पॉन्सर बाय एमडी स्कूल चिड़ावा। आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। चिड़ावा शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। इस बार इंद्रदेव भी काफी मेहरबान रहे। अगर आपके भी घर में या कहीं आसपास जल भराव की समस्या है तो आप चिड़ावा नगर पालिका से संपर्क कर सकते हैं। चिड़ावा में नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह भरे पानी की निकासी में नगर पालिका कर्मी जी जान से जुटे हुए हैं। स्टेशन पर एक मकान में जल भराव की सूचना मिलने पर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी व ईओ जुबेर खान मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पंप मौके पर मंगवाकर घर से पानी निकासी करवाई। वहीं शहर के खेतड़ी रोड, सूरजगढ़ रोड सहित अन्य मोहल्लों व रास्तों पर भरे पानी की निकासी भी नगर पालिका करवा रही है। इसी दौरान देखा गया कि गौशाला के अंदर भी काफ़ी पानी इकट्ठा हो रखा था। वहाँ पर भी नगर पालिका द्वारा जनरेटर की व्यवस्था की गई है और पानी निकासी करवाया जा रहा है। पानी जो है ये पिछली बार की भी यही प्रॉब्लम थी। भारी बारिश होती है तो बाहर का जो पानी है वो गेट से, मेन गेट से ओवरफ्लो होकर के अंदर आता है। ये पानी क्या बाहर से आता है क्या? हाँ, बाहर से आता है पानी। बिल्कुल बाहर से कैसे आता है कि दरवाजा भी थोड़ा ऊंचा ही है? नहीं, दरवाजा ऊंचा नहीं है ना, दरवाजे के बिल्कुल जस्ट सामने से हमारा ये नाला बना हुआ है तो उस नाले में ओवरफ्लो होकर के पानी अंदर आता है। तो अंदर तो काफी पानी भरा हुआ है, तो क्या अंदर बिल्कुल टोटल बाहर का जो अंदर के रूम्स है उनमें भी पानी गया? अंदर अंदर कमरों के अंदर बिल्कुल सभी कमरों में पानी भरा है हमारे अंदर। मेन पानी की जो समस्या है, इसकी जो निकास क्या है इसके पानी? निकास तो साहब अभी तो हमारे अंदर तो कोई या तो अपना जो क्या बोलते हैं उसको कुई जो बनाते हैं, सोखता जो गड्ढा बनाते हैं वो एक समाधान है। अगर दो चार इसमें सोखते गड्ढे बन जाएं स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर, हाँ परिसर के अंदर, और बाकी तो समाधान तो बाहर का पानी तो जब ज्यादा बरसात होगी तो आएगा ही आएगा। हमारी जो छत है उनका पानी हमारा जो वो सोखते गड्ढे बना रखे हैं उसमें जा रहा है। हमारी खुद की जो बिल्डिंग है इसका पानी आपने सोखते गड्ढे बनवा रखे हैं, लेकिन और की जरूरत है? और की जरूरत है इसमें। मेन गेट का जो गेट से बाहर का पानी आता है उसके लिए और हमें दो तीन चाहिए। नगर पालिका में सूचना की क्या आपने? नगर पालिका में सूचना करिए, पानी निकालने के लिए इसको भेजा गया है। अभी पानी निकाला गया है क्या? पानी अभी आई है ये अपनी निकालने के लिए। अभी आई है? हाँ अभी आई है, निकालेंगे पानी। कितना समय लगा सूचना होने के बाद में? गाड़ी सूचना होने के बाद में लगभग एक घंटा लग गया जी। हाँ जी। अभी क्या अंदर जो रूम में पानी गया था वो रिपोर्ट वगैरह जो भी वो है? अभी है पानी उसमें अंदर, अभी भी देख सकते है पानी। चेयरमैन साहब को फोन किया, चेयरमैन साहब ने मौके पर आके जो जहाँ जहाँ भी चिड़ाव के अंदर जो पानी इकट्ठा हो रहा है खुद मौके पर आकर उनका समाधान किया। जैसे अड़ुकिया स्कूल में पानी भर गया था वहाँ भी चेयरमैन साहिबा ने खूब आके मौके पर समस्या का समाधान किया। हर जगह चिड़ाव में जहाँ जहाँ भी पानी है वहाँ वहाँ चेयरमैन साहिबा खुद मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करवा रहे हैं। बारिश के दिनों में ये पानी है नाली से ओवर फ्लो होकर के विद्यालय में आ जाता है, तो विद्यालय भवन नीचा होने के कारण विद्यालय में जो रखा हुआ रिकॉर्ड है, पोशार है, दरिया वगैरह है, वो सारी भीग जाती है। पिछली साल भी ये समस्या थी और इस बार भी ये समस्या है। अभी हमने नगर पालिका में भी फ़ोन किया, चेयरमैन साहब को, एसडीएम साहब को भी सूचना दी थी, तहसीलदार जी को भी बताया। अभी नगर पालिका की तरफ से ये पंप आ गया है, पानी निकाल रहे हैं बाहर। जयन साहब से और चेयरमैन साहिबा से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये जो नाली है इसका कनेक्शन सीवर वाली लाइन में डाल देंगे ताकि पानी ओवरफ्लो होकर के विद्यालय में नहीं आए। पिछली बार समस्या थी तब हमने गेट को काफी ऊंचा उठाया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गांधी चौक तक का पानी आता है, वो उसकी पानी की निकासी नहीं होने के कारण से और विद्यालय के मेन गेट के द्वारा है विद्यालय के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। जल भराव की समस्या देखो हमेशा ही रही है, लेकिन अब की बार कुछ कम रही, क्योंकि जैसे मानसून से पहले ईओ साहब की, जयन साहब की, पूरे स्टाफ की सूझबूझ से तो मानसून से पहले ही नाला सफाई करवा दी गई थी, जिससे समस्या अब की बार कम रही। और लगभग जगह जैसे सुबह से ही कर्मचारी स्टाफ सब लगे हुए हैं, मैं खुद, ईओ साहब खुद
वहाँ जैन साहब खुद जाके मौका मुआयना कर रहे हैं और पानी निकासी की समस्या को दूर कर रहे हैं। अड़ुकिया स्कूल में पानी भरा हुआ था, उस पर क्या एक्शन लिया गया? अड़ुकिया स्कूल में पानी भरा भाई, वो क्या है कि जगह भी नीची हो रही है और इधर वाली रोड है वो ऊंची है, तो उसमें पंप सेट लगा के और जनरेटर लगा के हमने पानी निकाल रखा है और जल्दी वो सीवरेज लाइन में वो जोड़ देंगे जिससे आगे आरोप लगाया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा गौशाला में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तो पानी तो भरा हुआ है गौशाला के अंदर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गौशाला तो खुद की है, अपना ट्रस्ट है एक, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दो दिन से वहाँ पर जनरेटर लगा रखा है मानसून को देखते हुए, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ट्रस्ट किया तो हम काम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल हम काम करवाएंगे, ये चिड़ावा सारा ही अपना है, लेकिन उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि मानसून को देखते हुए आगे के जो अपना ये भाई बारिश हो सकती है ज्यादा कम जो भी है, तो उनको भी अपने संसाधन है वो उपलब्ध रखना चाहिए। चिड़ावा से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उस पर क्या एक्शन लेंगे? वो मैंने भी अभी जब हम ये दौरा कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा पूरा नगर पालिका स्टाफ और उसमें स्टाफ में ही जैसे ईओ साहब हैं, जयन साहब है, मेरे पार्षद गण हैं, मैं हूँ, सभी लोग हम सुबह से विजिट कर रहे हैं। आपको सच बताएं 8 बजे से हम सब निकले हुए हैं और हमने जगह जगह जाके देखा, कई घरों में पानी भरा हुआ है, वहाँ हमने अपने संसाधन लगाए हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा यहाँ भी हमने खुद आके मौका देखा है और संसाधन सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को। और ईओ साहब और हम यही बात कर रहे थे कि अपने को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे क्या है कि ये चिड़ावा का जो जल भराव की समस्या वो कम, कोई डैमेज प्रोजेक्ट तक ये आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा? मतलब प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द बना रहे हैं और जयन साहब और हमारा ड्राफ्ट मैन लगा हुआ है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज सुबह जल्दी से काफी बारिश हो रही थी चिड़ावा क्षेत्र में, तो हमने जो अपना कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा था, हमारे कर्मचारी जो फील्ड के अंदर थे उन सभी को एक्टिव किया, जो भी हमारे पास शिकायतें आई वो चाहे फ़ोन के माध्यम से हो चाहे मौके पे जाके लोगों की जो जो समस्याएं थी, मुख्य रूप से लोगों की कुछ घरों में पानी इकट्ठा हो गया था, कहीं पे जो है चौकिंग की प्रॉब्लम थी, तो हमने अपने जितने भी संसाधन है नगर पालिका के, पंप सेट है, टैंकर है, स्टाफ है ना, उन सभी को फील्ड के अंदर लगा दिया और पानी निकासी की जो है समस्या उसको जल्दी से जल्दी हमने उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया। हमारी जो टीम है पूरी तरह एक्टिव थी, उसके बाद हमने जो है चेयरमैन साहब के साथ एक बार पुनः हमने विजिट किया सभी वार्डों को, जहाँ जहाँ समस्याएं ज़्यादा सक्रिय थी वहाँ पे हमने विजिट किया है और हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ घरों में जो है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास है अपनी इधर पुरानी बस्ती में है और आगे की तरफ है, वहाँ पे कुछ घरों में पानी इकट्ठा था, वहाँ पे हमने अपने संसाधन लगा के पानी निकासी करवा रहे हैं और चिन्हित भी किया गया है, काफ़ी लोगों की समस्या है उनको हमने इस बार चिन्हित किया है, तो आगे उसका भी हम जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाएंगे। गौशाला में पानी भरा हुआ, उसके ऊपर क्या करना चाहेंगे? गौशाला का ये है कि वहाँ पे जो वो निजी गौशाला है, तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने संसाधन जो है उस समस्या से निस्तारण के लिए अपने तैयार रखें, बाकी नगर पालिका से जो भी सहयोग होगा हम करेंगे, लेकिन कुछ जो है उनके स्तर से जो उनकी जिम्मेदारी हो है वो उनको भी निभानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका की तरफ से जब भी सहयोग की आशा की जाती है हम करते हैं और आज पूरी टीम ने, हमारे स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने पूरी तरह मुस्तैद रहे और अच्छा काम किया है ना, तो आगे भी इसी तरह हम बिल्कुल काम करेंगे। धन्यवाद।